हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग? स्वस्थ मस्त होंगे? अपना पेपर जो है केमिस्ट्री का करके आए होंगे, तो मिला लीजिए अपना पेपर। पहला प्रश्न है कि यफई जो है यानी लोहा आयरन है, ये किस ब्लॉक का तत्व है? तो ये डी ब्लॉक का तत्व है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है 3D5 4S2। अगला प्रश्न जो है आपके सामने है, किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज धीरे धीरे घटता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड भी होता है 0 वोल्ट के। जो ये समीकरण दिया है इसके लिए ये सक्रियण ऊर्जा है, जहाँ पर ये देखो रिएक्शन लिखे 1/2A 2B के लिए, 1A विघटन की दर, BK बनने की दर, तो ये होगा -dA/dt 4dV/dt। एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचना लिए कितना सिंपल पेपर आया है। अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। देखो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। कि जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों को लिखिए इस यौगिक में यफई की ऑक्सीकरण संख्या। देखो यफई की ऑक्सीकरण संख्या निकालते तो यहाँ पर x मान लेते और CN की होती माइनस, तो माइनस की 6 और इसकी प्लस 1 होती प्लस की 4। माइनस 6 में 4 जाएगा तो माइनस की 2 उधर जाएगा प्लस 2, तो प्लस 2 आएगी इसमें, प्लस 2 होगा। गैल्वेनिक सेल तथा विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर कितना अच्छा आया है। 40 ग्राम इथेनॉल को 3 ग्राम जल में घोला गया इथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए, यानी मोल भिन्न ज्ञात करना था इसमें। ये देखिए एक न्यूमेरिकल निर्जल ग्राम सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर इतने मिलीलीटर विलयन बनाया गया है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक की भार इतना है। विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। फिनाइल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को लिखे। मैसमेरी में हार्मोन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। बढ़िया पेपर आया, देख लीजिए। रोजनमुंड अपचयन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और ये प्रश्न हो गया अभिक्रिया के लिए। अभिक्रिया के कोट में अंतर का उल्लेख कीजिए। सेल के विशिष्ट प्रतिरोध चालकत्व की परिभाषा लिखिए। 3 नंबर में सेल के विशिष्ट प्रतिरोध ये हो गया। ब्रोमो बेंजीन की तुलना में ब्रोमो एथेन का ब्रोमीन अणु अधिक क्रियाशील होता है क्यों? एमीन किसे कहते हैं? 2 नंबर के प्रश्न डी ब्लॉक था। ए ब्लॉक के तत्व क्या है? कितना बढ़िया पेपर आया, टालुइन वाला भी है। उपसा संयोजी यौगिक को समझाइए। और ये लास्ट है, कह रहा है कि विटामिनों की कमी के कारण होने वाले रोग ACDE के। देखो कितना अच्छा प्रश्न जो है 5 नंबर का है। तो ये देखिए ये भी बढ़िया आया है। ये पूरा पेपर देख लीजिए नेक्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए भी। और आशा करते हैं आप सभी अच्छा पेपर करके आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।